तो स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फुटिंग के बारे में आपको कुछ बताएंगे। देखिए, ये हमारी आइसोलेटेड फुटिंग है, ये हमारे नीचे PCC हुई है जिसकी मोटाई 100 mm है। अरे, फुटिंग का कंक्रीट एरिया है इसका 150 mm ऊंचाई है। और देखना है यहाँ स्लोप, और यहाँ से लेके इसकी ऊंचाई 500 है, यानी पूरी हमारी फुटिंग 650 डेप्थ है। और ऊपर पेडिस्टल बना है, पेडिस्टल कॉलम के साइज से 150 चारों तरफ बाहर निकला है, और पेडिस्टल की ऊंचाई भी 150 mm है। तो कॉलम की साइज हमारी 450 x 300 की है। देखिए, ये 450 x ऐसे है, 450 का और 300 ऐसे है, ये वाला फेस 300 है। तो देखिए, इधर भी 150 mm निकला है पेडिस्टल, और इधर भी 150 mm निकला है। तो कॉलम में हम लोग 150 mm जोड़ देंगे तो हमारी पेडिस्टल बन जाएगी। और ये देखिए, ये क्या है, प्लिंथ तक की, प्लिंथ बीम का जहाँ बॉटम आएगा वहाँ तक का ही कॉलम बनाया गया है। तो अगर हमें निकालना हो मतलब कि ये कॉलम की लंबाई कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हम लोगों के पास प्लिंथ का टॉप रहेगा और PCC की बॉटम रहेगा। तो क्या करेंगे, जब हम इसका इसकी अगर लेंथ निकालना है कि हम लोग का कॉलम कितना आएगा, तो क्या करेंगे कि PCC बॉटम में पहले तो PCC की मोटाई ऐड करेंगे, फिर से हम लोग फुटिंग की आप लोग डेप्थ डेप्थ ऐड कीजिए उसके RL में। PCC बॉटम के RL में पहले आप PCC 100 mm ऐड करेंगे, फिर से आप फुटिंग की डेप्थ ऐड करेंगे, उसके बाद आप पेडिस्टल की डेप्थ ऐड करेंगे, और जितना आएगा उसमें जो प्लिंथ लेवल हमारा दिया रहेगा प्लिंथ लेवल में से, और जितना ये आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारी प्लिंथ बॉटम से ये हमारी ये इसकी हाइट निकल जाएगी। तो ऐसे निकालते हैं इसकी हाइट, देखिए। और ये कंबाइन फुटिंग है, इसमें दो कॉलम आ रहे हैं एक ही फुटिंग में, और इसमें बीम भी है, देखिए।